हाय हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अ न्यू नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर बुक्स अवेलेबल नहीं है, या जो आप बुक रिकमेंड कर रहे हो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम आ गई है जब से COVID-19 पेंडेमिक है। तो कई सारे स्टूडेंट ने ही मुझे एडवाइस किया कि सर जिस तरीके से लाइब्रेरी सिस्टम आप चलाते थे बिफोर कोविड, उस तरीके से कुछ आप करो। तो लाइब्रेरी सिस्टम तो अभी बंद है, वो तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। प्लस मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, बुक एक तरीके से आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में आपको मिल जाएगी। वो है मेरा इंस्टीट्यूट जो अभी तुगलकाबाद में रनिंग है। तो वहाँ से आप जो आपके सब्जेक्ट मैटर की बुक आपको रेलिवेंट लगती है वहाँ से आप कलेक्ट कर लो, और जो आपके पास आइडल बुक है जिसका यूज़ आप नहीं कर रहे हो वो यहाँ पे आप अपनी रख सकते हो। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जो आपके पास आइडल बुक है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी भी क्लास की, 11, 12, BCom, मास्टर, CA, किसी भी कोर्स की, इवन इंजीनियरिंग, किसी भी चीज़ की, वो अपनी बुक्स आप रख जाओ और आपको जो नीड है वो बुक आप ले जाओ। और जब आपको लगता है कि उस बुक की रिक्वायरमेंट आपको फिनिश हो गई, पढ़ के आप वापस रख सकते हो, राइट। तो ये एक इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोशिश आपको ये करनी कि जेन्युइन बुक लेनी है आपको, या जब आपको नीड है तो, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड बुक्स हैं, राइट। तो किसी दूसरे बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बुक्स का फटाफट दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स है। वैसे मैं बता दूँ, 11th की बुक्स, 12th की बुक्स, BCom की बुक, MBA की बुक, CA की बुक्स, ये आपको अवेलेबल हैं, राइट। कुछ सैंपल पेपर्स हैं, पास्ट ईयर पेपर्स हैं, जिसको हम 10 ईयर्स बोलते हैं, वो मैं आपको एक बार वीडियो में दिखा देता हूँ। तो एक बार देखते हैं क्या क्या बुक्स हैं मेरे पास। ये देखो, सबसे पहले ये कलेक्शंस हैं, राइट। यहाँ से आप देख सकते हो जो आपको रेलिवेंट लगती है। कुछ यहाँ पे CA फॉर्म्स में जो बुक होती है वो इनकम टैक्स रूल की है, डायरेक्ट टैक्स रेडी रेकनर है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है BCom फर्स्ट ईयर की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCom ऑनर्स की है, राइट। फिर ये एक्ट है इनकम टैक्स का, बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये भी BCom की है, कॉस्ट अकाउंटिंग BCom की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट BCom, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट BCom, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी BCom, और SSC वगैरह अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बुक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे दी थी, वो आप ले सकते हैं, राइट। और देखते हैं, फिर ये कुछ बुक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये NCERT की बुक्स हैं, क्लास 11 12 की NCERT। उसके बाद ये वी वॉसन पड़ी हुई है मेरे पास, दिस इज 11th बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पार्ट थर्ड है 12th क्लास की। एक मर्केंटाइल लॉ पड़ी हुई है, ये CA CMA फाउंडेशन में आप यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो CA या CMA इंटरमीडिएट में आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ बिजनेस लॉ, इसको आप ले सकते हो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। आप सब्जेक्ट मैच कर लो, रेलेवेंट इससे मैटर नहीं करता राइटर कौन सा है, आप सब्जेक्ट का नेम मैच करो। बिजनेस कंपनी अलाइड लॉ ले सकते हो आप, CA फाइनल की बुक्स है। अकाउंटेंसी IPCC ग्रुप 2 में यूज़फुल है, राइट, इस तरीके से आप ले सकते हो। प्लस ये भंवर बोराना सर DT में बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है, हालांकि ये अमेंडेड बुक नहीं है, बट आप एक बार इसको भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपको रेलेवेंट लगती है तो। और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो फिर ये ओल्ड हैं, दिस वन, ये भी NCERT की बुक्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो जो आपको रेलेवेंट लगती है। क्लास 11 की सुभाष दे यहाँ पे ज़्यादा रिकमेंड होती है, तो बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 11 सुभाष दे। पूनम गांधी 12th की है, बट ये हिंदी मीडियम है, राइट, पूनम गांधी हिंदी मीडियम है, अब तो हिंदी मीडियम बच्चा बहुत ही कम लेता है। और उसके बाद ये फिर 12th की NCERT बिजनेस स्टडीज़, राइट। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये हैं कुछ बुक्स, ये देख सकते हो आप, बिजनेस स्टडीज़ पूनम गांधी, ये मिल गई हमें एक, राइट, सुभाष दे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद कंपनी लॉस, ये फाइनल, इकोनॉमिक लॉस, ये फाइनल, मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12th की, वो ले सकते हो। उसके बाद ये BCom का पूरा बंच है, यहाँ से हटाना पड़ेगा स्टफ़, यहाँ से आई होप दिख रहा होगा आपको। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग क्लास 11th, उसके बाद अकाउंटेंसी क्लास 11th, दिस वन, ये है डबल एंट्री बुक कीपिंग क्लास 12th, उसके बाद 11th, राइट, उसके बाद बिजनेस स्टडी, उसके बाद एक क्लास 12th का सैम्पल पेपर, और ये क्लास 12th के दो मॉड्यूल पड़े हुए हैं यहाँ पे, TS ग्रेवाल, राइट। उसके बाद यहाँ पे है, ये आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है, सब्जेक्ट देख लो आप, कंपनीज एक्ट 2013, बिजनेस लॉ, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये बेसिकली BBA और BCom में ज़्यादा बुक्स है मेरे पास, राइट, क्योंकि बच्चा इसको पढ़ने के बाद जो है रख ही देता है, उसको यूज़फुल नहीं लगती। तो ये आप देख सकते हो, मैं इंडियन इकोनॉमिक पढ़ी हुई है, अगर आप नेट UGC की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की बुक यहाँ पे रखी हुई है,
राइट, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये सारे पास्टर पेपर पड़े हुए हैं जो स्पेशली डीयू में यूज़ होते हैं। राइट, ये सब्जेक्ट के हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, और हिंदी मीडियम का एक पेपर पड़ा हुआ है। राइट, इस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन है थर्ड ईयर में, ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये कुछ कलेक्शंस हैं, ऑडिट एंड एश्योरेंस की बुक है, एक सब्जेक्ट हुआ करता था सीए में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, वो देख सकते हो। ये सारी बुक्स हैं, बेसिकली कलेक्शंस हैं, और भी ऐसी बहुत सारे स्टफ हैं, देख रहे हो आप, सारा बुक से ही भरा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये तो मेरी ही बुक्स है, हाँ ये तो मेरी ही बुक्स है क्लास ट्वेल्थ में जो मैं देता हूँ बिजनेस स्टडीज़ की। राइट, तो ये भी 5-6 अभी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, अगर आपको रेलेवेंट लगती है क्लास ट्वेल्थ से आप ये भी लग सकते हो, चाहे स्टूडेंट आप मुझसे क्लास ले रहे हो या कहीं से भी, इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है अभी। राइट, तो ये सारा कलेक्शंस है कुछ, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। बेसिकली क्लास ट्वेल्थ का बंच ज़्यादा है और क्लास बीकॉम का। राइट, तो दिस इज़ इट, यही कलेक्शंस है मेरे पास, अगर आपको रेलेवेंट लगती है तो बुक्स आप ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। राइट, बाकी डिटेल्स जो है कॉन्टेक्ट करने की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट प्लीज़ बी जेन्युइन बिफोर गेटिंग दिस बुक्स, क्योंकि ये भी किसी स्टूडेंट ने ही यहाँ पे रखी हुई है, पहले लाइब्रेरी सिस्टम मेंटेन करते थे बट अभी कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को उसी को बताएं जिसको बुक्स की नीड है और वो बुक नहीं ले पा रहा। राइट, थैंक यू सो मच।